नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। PBR स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और बीच में मिस ना करना, वरना बहुत पछताओगे। देखिए दोस्तों, किसी भी कार्य को करने के हजारों बहाने हो सकते हैं और ना करने के उसके लाखों बहाने हो सकते हैं, लेकिन कोई काम अगर करना है तो कर सकते हैं हम लोग। आज हम बात करेंगे नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना की, और ये भी बात करेंगे कि नीति आयोग को क्यों बदला गया। यानी कि आपने देखा होगा कि पहले इसका नाम योजना आयोग था, तो लगभग ये 60 से 65 साल पुराना योजना आयोग बदल करके नीति आयोग क्यों कर दिया गया, इसका रीजन क्या है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले हम बात कर लें कि जो नया नीति आयोग है इसके क्या कंडीशन है। तो साथियों, अभी तो हम ट्रेन में हैं फिलहाल, लेकिन हम आपको जानकारी पूरा बताएंगे। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री जी होंगे, यानी जो भी प्रधानमंत्री होगा, और उसका उपाध्यक्ष जो होगा वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। संचालन परिषद जो है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल मिलकर के उसका क्या करेंगे, संचालन करेंगे। अगर क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो नीति आयोग में विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है। तदर्थ सदस्यता जो है वो अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी बारी से पदेन सदस्य होते हैं। और इसी में अगर हम आगे बात करें तो पदेन सदस्यता के बारे में भी देख लीजिएगा ध्यान से, नीचे आपको लिखा गया है और बहुत स्पष्ट दिख रहा है। कह रहा कि प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री परिषद के अधिकतम 4 सदस्य जो हैं वो इसमें सदस्य बन सकते हैं। आगे देखिएगा इसका रीजन क्या था, क्यों इसको बदला गया, योजना आयोग को बदल करके क्यों नीति आयोग इसका नाम रखा गया, इसका कारण देखिएगा। साथियों, थोड़ा सा शोरगुल होगा बैकग्राउंड में, लेकिन कोशिश करिएगा, बहुत काम की जानकारी है। 65 साल पुराना योजना आयोग कमांड अर्थव्यवस्था संरचना में तो प्रासंगिक था, यानी कि प्रासंगिक था, लेकिन बीते कुछ वर्षों में यह प्रभावी नहीं रह गया था। भारत विविधताओं वाला देश है, यानी कि इसमें बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, ये विविधताओं वाला देश है, और इसके राज्य आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं, जिनकी अपनी भिन्न भिन्न ताकतें तथा कमजोरियां भी हैं। आर्थिक नियोजन के लिए सभी पर एक प्रारूप लागू हो यह धारणा गलत है। आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को प्रतिस्पर्धी तौर पर स्थापित नहीं कर सकता, इसी कारण से हो सकता है इसको बदला गया हो। अभी और भी बहुत से कारण हम आपको दिखाएंगे। अगला एक बहुत ही मुख्य कारण ऊपर आप देख रहे हैं, विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच प्रदान करना, इसीलिए नीति आयोग का नाम जो है वो मतलब नीति आयोग बनाया गया योजना आयोग की जगह पर। राज्यों को कला संसाधन क्षेत्र के रूप में केंद्र के रूप में स्थापित करने, शासन पर शोध का केंद्र बनाने एवं सतत न्याय संगत विकास में सर्वोत्तम तरीके अपनाने तथा विभिन्न हितधारकों तक उनको पहुंचाना, इस कारण से भी इसका नाम बदला जा सकता है। उसके बाद आगे देखिएगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO, जिसे आप जानते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसका मतलब आप लोग समझ सकते होंगे कि भारत सरकार का सचिव, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा अनिश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है, वो नीति आयोग का CEO होता है। CEO का मतलब होता है साथियों चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब आप जानते होंगे, जैसे कोई कंपनी होती है, कोई संस्थान होता है, कोई क्षेत्र होता है, तो उसका जो मुख्य होता है वही उसका CEO होता है। आपने देखा होगा गूगल का CEO है, फेसबुक के CEO हैं, उसी तरह के जो हैं हर एक क्षेत्र के एक CEO बनाए जाते हैं। विशेष आमंत्रित जो है वो प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा किए जाते हैं, और नीति आयोग के जो हैं वो दो प्रमुख हब हैं। इन दो प्रमुख हब में आप लोग देख सकते होंगे, पहला टीम इंडिया हब, राज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है। दूसरा ज्ञान और नवोन्मेष, यानी कि नॉलेज एंड इनोवेशन हब, नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति कार्य करता है। तो साथियों, नीति आयोग के बारे में आप लोगों ने पूरा लगभग चीज़ें देख लिया होगा,
इसका पिछला वीडियो में हमने आपको बहुत सी जानकारियाँ बताया हुआ था, लेकिन आपने हो सकता है उसको देखा हो या ना देखा हो, नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा। ये इसमें कुछ और भी इम्पॉर्टेंट नॉलेज आपको दिया गया, इसको देख लीजिएगा। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बिजी होने के कारण आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का वीडियो नहीं मिल सका, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमने आपको दिया।